हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, थ्योरी में जो भी डाउट्स था अभी हम लोग क्लियर करेंगे सारे डाउट्स को। ओके, तो कोर्स यहाँ तक समझ में आई होप कि आ गया होगा, क्योंकि हम लोग एरे विद इन क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। देन क्लास, यहाँ कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, क्लास का नेम है स्टूडेंट, इंट रोल मैंने लिखा हुआ है, कैर नेम 20 को सब्सिट दिया है मैंने, क्यों दिया है आई होप कि क्लियर है। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, गेट डेटा डिस्प्ले, दो फंक्शंस हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। गेट डेटा को मैंने डिफाइन किया है इंटर नेम, जो कि नेम में स्टोर होगा, सी आउट इंटर रोल नंबर, जो कि रोल में स्टोर होगा। ओके, नाउ डिस्प्ले नेम डिस्प्ले होगा, जो कि नेम में, जो भी नेम में स्टोर होगा वह नेम में डिस्प्ले होगा, जो भी रोल में स्टोर होगा वह रोल में डिस्प्ले होगा। यहाँ मैंने प्रेस इंटर टू कंटिन्यू इस पर लिख दिया है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोग्राम है आपको एरे विथ इन अ क्लास ही लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है नहीं, इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, जो हम लोग अभी मेन फंक्शन में यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये जो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक अभी तक ये क्लास डेफिनेशन या फिर फंक्शन डेफिनेशन जो देखा, ये नॉर्मल था, इसमें इनमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। जैसा हम लोगों ने शुरू में क्लास और ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल देखा होगा, बिल्कुल उसी की तरह है ये, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में सिर्फ हमारा चेंज मेन फंक्शन में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट क्लास का नेम है, एस टी मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसका साइज हमने दिया है 3। देखिए यहाँ साइज मैंने डिफाइन कर दिया पहले ही 3। ओके, तो जहाँ भी साइज लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब है 3। ओके, सो यहाँ साइज का मतलब है 3, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एरे बनाया है मैंने, जिसका मैंने साइज दिया है 3, यानी कि इसमें एक्चुअली एक एस टी नाम का एक ऑब्जेक्ट, लेकिन लोकेशन 3 क्रिएट हुआ है, एस टी 0, एस टी 1 और एस टी 2, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। ऑब्जेक्ट का नाम एक ही है, लेकिन क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स हुए हैं। फोर लूप का यूज़ किया है मैंने, यहाँ मैंने इंट आई इक्वल 0 लिखा हुआ है, आई साइज आई प्लस प्लस, सी आउट इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, एस टी आई गेट डेटा। एस टी आई मतलब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो एस टी 0 और ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एस टी 0 और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा। ओके, और एस टी 0 में रोल नंबर और नाम स्टोर हो जाएगा एस टी 0 में। उसके बाद ये लूप जब दोबारा रन करेगा तो आई का वैल्यू 1 होगा, यानी कि एस टी 1 में फिर से नेम और रोल नंबर स्टोर होगा। फिर जब ये लूप रन करेगा तो एस टी 2 में रोल नंबर और नेम स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डाटा मिल जाएगा। ओके, नाउ इस फोर लूप के थ्रू हम लोग वन बाय वन, जिस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टोर किया उसी तरीके से हम लोग इसको आउटपुट भी, यानी कि स्क्रीन पर प्रिंट भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि आई प्लस यहाँ क्यों यूज़ किया गया, तो यहाँ आई प्लस इसलिए यूज़ किया गया ताकि आपको यहाँ देखिए इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, यहाँ 0 जब रहेगा तो आई प्लस किया है, इसलिए यहाँ वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ओके, ये अगर मैं ऐसा लिखूँ कि इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 0, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, 0 स्टूडेंट नंबर नहीं होता, तो इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको प्लस आई कर दिया है ताकि ये 1 रहे। फिर जब यहाँ ये 1 होगा तो यहाँ आपको 2 दिखेगा, फिर यहाँ जब ये 2 होगा तो यहाँ आपको 3 दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ आई प्लस कर दिया है नंबर का। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसका आउटपुट भी देखेंगे, लेकिन देखने से पहले एक सवाल आप लोगों से, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है कोई भी कोड, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ आपको दिख रहा होगा इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करता हूँ। ओके, देखिए इंटर डिटेल्स ऑफ
स्टूडेंट वन, जो कि यहाँ पर इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट वन यहाँ से दिख रहा होगा। अब ये फंक्शन रन कर रहा है, तो यहाँ ये फंक्शन रन कर रहा है, इस फंक्शन में हमने लिखा हुआ था इंटर नेम और इंटर रोल नंबर, यानी कि हम लोग इंटर नेम और इंटर रोल नंबर को इनपुट लेंगे। तो यहाँ हम लोग नेम इंटर ले लेते हैं राजा, इंटर नेम, फिर इंटर रोल नंबर 101। ये जो डेटा स्टोर हुआ ये ऑब्जेक्ट ST0 में स्टोर हो गया। ओके, ना इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट टू, ये लूप दोबारा रन किया, आई का वैल्यू 1 है तो ST1 हो जाएगा ये। ओके, यहाँ ST1 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट 1। यहाँ हम लोग इंटर करते हैं नेम और रोल नंबर। अब ये ST, ये लूप फिर से रन करेगा, तो अभी आई का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि ST2। ST2 हम लोग डेटा लिख रहे हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे सैम 103। इस तरीके से ये डाटा आपका स्टोर हो गया और साथ में आपको आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहला जो ST0 में जो इनपुट था, जो भी स्टोर होगा डाटा, वो आपको दिख रहा है। यहाँ प्रेस इंटर टू कंटिन्यू गेट सी एच का यूज़ किया है मैंने, इसलिए अभी भी आपका स्क्रीन होल्ड है। जब तक आप यहाँ इंटर प्रेस नहीं करते हैं, तब तक आपको आगे का डाटा, यानी कि जो भी ST1 में होगा, ST1 में, वो आपको नहीं दिखेगा। तो हम लोग इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो दूसरा ये ST1 का डाटा आपको दिख रहा है। फिर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो हमें दिखेगा ST2 का डाटा। इस तरीके से हमारा ये सारा डाटा दिखा और ये स्क्रीन क्लोज। इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यही है जिसमें हमारा ये पूरा कोडिंग तो सेम रहता है, क्लास डेफिनेशन सेम है, फंक्शन का डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन हमारा चेंजेस होता है यहाँ मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ हमें ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करना पड़ता है। और चूँकि ऑब्जेक्ट का एक एरे है, तो लूप का यूज़ करके हमें हर एक ऑब्जेक्ट का जो भी लोकेशन बनता है, उन हर लोकेशन पे डाटा इनपुट करना पड़ता है, या फिर उनसे डाटा आउटपुट लेना पड़ता है, या फिर जो भी आप प्रोग्राम में काम करवाना चाहते हैं वह इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके ओके देन, आई होप कि सबके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।